साथ में यहाँ पर सपना मैम मिश्रा जी, यहाँ पर मैम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, नृत्य कला केंद्र की संचालिका और ग्वालियर की बेटियों को, यानी कि जो भी नृत्य के क्षेत्र में बेटियाँ हैं उनको आगे बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। और कोई भी बेटी, अगर आप में कोई भी टैलेंट है तो आइए मिलिए मैडम से और आपका टैलेंट मैडम और निखारेंगी। कहते हैं कि गुरु माँ बच्चों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं, गुरु माँ। बिल्कुल, तो आप इन सब की गुरु माँ हैं। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे ग्वालियर वासियों से और जो देश ये जो ग्वालियर का मेला है और जो मंच बच्चों को प्रदान कर रहा है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो ग्वालियर विकास प्राधिकरण को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इन बच्चों को एक मंच प्रदान किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नंबर आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बच्चों को इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म मिला है उसके लिए मैं मेला प्राधिकरण का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जीत हार तो होती रहती है, पर प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल प्रयास नहीं। और ये जो सभी बच्चे जो हैं यहाँ आस लेके आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं उन सभी बच्चों को ये बोलूँगी कि नंबर इतना मायने नहीं रखता, स्टेज पर आके परफॉर्मेंस देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो है नर्वस नहीं हो, अगर नंबर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने जो प्रयास किया वो आगे कभी ना कभी रंग जरूर लाएगा। मैम मैं जानना चाहूँगा आपका ये नृत्य कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये मेरा दर्पण कॉलोनी शकुंतलापुरी में है और प्रेजेंट में मैं जो हूँ सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में डांस टीचर हूँ। आप डांस टीचर हैं सेंट जोसेफ? यस। और मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं बच्चियाँ, अगर उनमें टैलेंट है, अगर वो आपसे संपर्क करते हैं? बिल्कुल, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं मेरे पास जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन उनके अंदर जो हुनर है वो पैसे की वजह से रुके नहीं, इसलिए मेरी तरफ से उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आगे भी ऐसी कोई बच्ची है जो डांस सीखना चाहती है, इसमें नाम रोशन करना चाहती है, तो जो भी उसका खर्चा होगा उसको मैं आगे तक पूरा उठाऊंगी, लेकिन उस बच्ची की कला को मरने नहीं दूंगी। दर्पण कॉलोनी में कहाँ पर? शकुंतलापुरी 36 नंबर, डॉक्टर सपना मिश्रा, डॉक्टर ओपी मिश्रा। शकुंतलापुरी में नृत्य कला केंद्र मौजूद है और 36 नंबर, आप किसी से भी पूछ लेंगे दर्पण कॉलोनी में। जैसे ही 8 दुकान पर आप पहुँचेंगे, 8 दुकान से साईं बाबा वाली रोड पर जैसे ही आप चलेंगे साईं बाबा मंदिर के लिए 8 दुकान से, तो वहाँ पर स्थित है शकुंतलापुरी। आप किसी से भी पूछ लेंगे तो मैम के घर तक आपको छोड़कर जाएंगे। अगर आप में भी है टैलेंट और आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप आइए और मैम से टैलेंट सीखिए और नृत्य सीखिए और अपने कला के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में ग्वालियर का परचम लहराइए। मैम अभी एक गुड़िया का भी परफॉर्मेंस होने वाला है, उनका परफॉर्मेंस भी आपको मैं दिखाऊंगा और अभी मैं आपको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा। ओके, मेला महोत्सव की ओर। थैंक यू।